वेलकम बैक नाजरीन, आपका हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ब्रेक के बाद सूरत हाल वहीं की वहीं है जो आपसे बात की जा रही थी कि प्रोग्राम जो है कड़वा सच सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि डिपार्टमेंटल करप्शंस को है हम आपके सामने लेकर आए, जो भी सूरत हाल है वो हम उसको आपके सामने रखें। दुरानी साहब, बात हो रही थी सुहावा, चकवाल, तलागंग, मियाँ वाली, जो सी एस सी टी एम जो रोड है उसके ऊपर 45 करोड़ रुपए लेकर किसको काम अलाट किया गया? देखें, मैं वही बात वहीं से शुरू करूंगा कैसर साहब, कि ये जो करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका अभी ये मुस्लिम टाउन वाला जी जो पुल बना, मैं लाहौर की बात ठीक, कर रहा हूँ ठीक, या लाहौर में इस वक्त बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें सिर्फ इंजीनियर मुलव्वस है? नहीं, इसमें महकमे का सेक्रेटरी जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होता है। अब आप ये देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। जो मुगलपुरे जी पुल बना था एयरपोर्ट पे, रिंग रोड पे, आप जिस पीक जिसकी कवरेज के लिए गए थे, वो कौन सा पुल था जो गिर गया था? ये रिंग रोड वाला हरबंसपुरे के ऊपर। अच्छा, ये मैं एक जगह आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये रोडों के हवाले से ये लोग पैसा खा जाते हैं रोड बनाकर। ये कौन सी जगह? ये सर वफाकी कॉलोनी है, ये यहाँ पर वो कॉलोनी है। आप देखें इसके रोडों की हालत देखें, कॉलोनी का नाम वफाकी कॉलोनी है। हाँ, और वफाक की जो मोहब्बतें हैं लोगों के साथ वो रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से होती है। ये भी पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर इंजीनियर। हाँ जी, ये भी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कहीं पर भी है। हाँ जी, जो शरीफ इंजीनियर हैं उनको एक तरफ रख के, जो करप्ट इंजीनियर है उन्होंने सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? हेलो जी, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ जी गुलजार साहब। और मैं इसी प्रोग्राम के साथ तवस्सुत से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी 78 से टेक्निकल हाई स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। इसमें गवर्नमेंट स्कूल में एक मेटल वर्कशॉप है, एक वुड वर्कशॉप है और एक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है। इनमें असाजा की तादाद भी है और बाकायदा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अलग से देर तक हमें कुछ नहीं सिखाया गया आज तक जी। मोहतरम, आपसे थोड़ी देर पहले हमें इसी स्केल में, अब इसमें दूसरे स्केल का एक प्रिंसिपल भी दे दिया गया है इसी के टेक्निकल को देखते हुए, लेकिन इसमें कोई स्टडी नहीं कराई जाती, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, फजूल गवर्नमेंट के पैसे जाये किए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी, या तो इसको चलाने के लिए कोई अपना बंदोबस्त कराया जाए, या हमारे बच्चों को, ये देहाती इलाका बैकवर्ड इलाका है, या अगर ये तालीम इसके वुड वर्कशॉप की या इलेक्ट्रॉनिक की या इसकी मेटल की देते तो हमारे हजार हाथों लगा अपने अपने रोजगार पैदा कर सकते थे, बजाय इसके कि वो बाद में आर्ट का सब्जेक्ट लेके दर बदर घूमते फिर रहे हैं अभी। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे पहले भी अच्छा। एक हाशमी साहब की कॉल थी यहीं से, उन्होंने भी इसी इशू को सामने लेकर आए थे। आप हमें इसके हवाले से जो भी आपके पास किसी भी किस्म के कोई भी प्रूफ है तो वो हमें जरूर भेजिए, हमारे इस नंबर पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद कॉल कीजिए ताकि हमें तफसील मिल सके। आपने मुझसे पूछा था सरफराज भट्ट जी, जी सरफराज भट्ट साहब का मैं बताऊं कि सरफराज इस CNW में जो सबका एक थे ब्रिगेडियर शादाब साहब जो सेक्रेटरी थे, ठीक, उसके बाद अहमद यार थे सेक्रेटरी, उसके बाद फवाद हसन फवाद थे जी। अब फवाद हसन फवाद जो हैं वो आजकल वजीर आला पंजाब के सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कहा यह जाता है बल्कि सरफराज भट्ट साहब जो हैं उन्होंने पूरे महकमे में यह धाक बिठा रखी है कि ब्रिगेडियर शादाब, अहमद यार और फवाद हसन फवाद को मैंने सेक्रेटरी लगवाया। अच्छा, वो और वाकई ये बात दुरुस्त एक लिहाज से बरसा फरमाते हैं जी, बरसा फरमाते राइट ठीक है, कुछ इंजीनियर महकमे में मुआसलात और तामीरात में इतने ताकतवर हैं। अच्छा, इतने ताकतवर हैं कि वो हमेशा प्राइस पोस्टिंग पे रहे, ठीक, उनको कभी OST नहीं लगाया गया, उन पे अगर 2-4-5-10 अरब रुपए की करप्शन साबित होने पर इंक्वायरी हुई तो उसको सजा जो है वो इतनी बड़ी दे दी गई कि एक इंक्रीमेंट उसकी स्टॉप कर दी गई। इतनी बड़ी सजा दी, बहुत बड़ी सजा दी है कि एक इंक्रीमेंट सालाना तरक्की जो है वो 500-600 रुपए है। इंसाफ को सलूट करना तो बनता है ना भाई, अरबों रुपए की करप्शन करो और आराम से 500-600 रुपए की इंक्रीमेंट बनता है। इस हवाले से बात आगे बढ़ाते हैं। दुरानी साहब हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, कौन सा बात करेंगे? मैं हैदराबाद
से बात कर रहा हूँ, परवेज साहब। जी फरमाइए जनाब परवेज साहब। जी जी, ये सेक्रेटरी आपाशी तेरे सिंध का था, ये खालिद अहमद सुरयो जी, इसने बहुत गवर्नमेंट का पैसे खुर्द बुर्द किया है, दरिया सिंध का टूटा था 2011 में, उसने इतने बहुत बेकायदे किया, खुर्द बुर्द किए पैसे, और अभी वो अभी असिस्टेंट है, उसकी जगह दूसरा सेक्रेटरी है, उसने खाल था मैं सुबह सुरैया है इसे सेक्रेटरी है एजुकेशन पहले था, उसने बेकायदे किया, खुर्द बुर्द किए पैसे की, और ठेकेदारों से अपनी बस खुद उसको लेन देन की थी, चेक उसको दिया था, पैसे भी रकम उससे ले ली थी और रुश्वत भी ले ली थी, बेकायदे किया उसने, गवर्नमेंट के पैसे खुद बुद्ध किया रुपये और फिर उनसे उसकी कोई भी गवर्नमेंट जांच पड़ताल नहीं कर रही है, तो ये मेरा सवाल है, मेहरबानी कर रही है उठा ले चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शौकत बसरा साहब लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, डिप्टी स्पीकर अपोजिशन लीडर है, हम उनसे बात करना चाहेंगे CNW के महकमे पर जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मसले मसाइल है इंजीनियर्स की तरफ से, जो करप्शन हो रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। शौकत बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का, आपका हमें ज्वाइन करने का। आपसे बात आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमारा कड़वा सच है वो इस हवाले से है कि CNW के जो इंजीनियर साहिबान हैं, पंजाब गवर्नमेंट के जो एक्सीएन हैं, जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, वो किस तरीके से करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए गुजारिश ये है कि मैं तो पहले दिन से ये जितने भी ब्रिजेस बने हैं, खासतौर पर आप ये कलमा चौक वाला ब्रिज ले लें, इसके ऊपर जब इसका ना तो इसकी पंजाब असेंबली से मंजूरी ली गई, और जब इसका तखमीना लगाया गया तो उसकी कॉस्ट जो थी वो तकरीबन 1 अरब या 1.5 अरब के करीब थी, ठीक, और जब ये कंप्लीशन पे हुआ तो 3 अरब पे पहुंच गया, और बगैर टेंडर दिए हुए, बगैर इसका कोई अखबार में इश्तहार दिए हुए, क्योंकि इनका पंजाब हुकूमत का प्रॉब्लम ही यही है कि इस वक्त यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ पर इवन आप अभी ले लीजिए मास ट्रांजिट जो मंसूबा है बस वाला, इसको ना पंजाब असेंबली में मंजूर करवाया गया और इनिशियली इसके ऊपर रखा गया 18 अरब रुपया, आज ये बढ़ के अभी फिलहाल 34 अरब पे पहुंच गया है, और ये बिल्कुल वही माइंड सेट है कि याद होगा कि जब इन्होंने मोटरवे का मंसूबा शुरू किया था माजी के अंदर, तो ये चूंकि कारोबारी टोला है, इनका सियासत से दूर दूर का तल्लक नहीं, ये दिखावे के लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, आज मेरे ख्याल में पूरी कौम के सामने जो करप्शन के इनके केसेस सामने आ गए हैं, जो बड़े बनते थे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते थे, तो आज कोर्ट ने बखाना वर्डिक्ट दे दिया भाई, और इनको माजी की करप्शन सामने आ गई सारी की सारी, अब तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने हैं अखलाकी और कानूनी और आईनी तौर पर, अब मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए था, और अपने आप को खादमाला कहने वाले और डबल फेस जो बनाया हुआ था, आज सबसे पहले इस्तीफा देते, आपका तो ये साबित हो गया कि आपने तो एजेंसियों को नहीं छोड़ा, फौज को नहीं छोड़ा, तो आवाम बेचारे किस चीज के हैं? शौकत बसरा साहब, 28 मार्च 2008 को चीफ इंजीनियर नेसपाक ने ठोकर न्याज में एक फ्लाईओवर का मुआयना किया था, तो पता चला कि 6 स्तूनों में सरिया कम है, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आवाम ने वहां से गुजर नहीं कह रहे हैं? पिछले दिनों आपको याद होगा जो पुल यहाँ पे गिरा था, लाहौर के अंदर गिरा ना भाई, हरबंसपुरा रिंग रोड, याद है आपको हरबंसपुरा रिंग रोड? हाँ जी, और कितने देर पहले बना था वो, ये निकाल लीजिए उसकी, अभी की बात है, अभी की बात है, ये बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं मेरे भाई, ये लोग इस वक्त सिर्फ आप इन ब्रिजेस को उठा के देख ले, इनकी रोड को उठा के देख ले, इनके यानी कि अगर आप भाई बिल्कुल साफ शफाफ लोग हैं, आप इनका टेंडर कॉल करें, आप इनके लोगों को बुलाएं, को बिल्ड दें, जहाँ पे मन पसंदी है, भाई कैप्टन सफदर साहब ठेकेदार है जो पंजाब के अंदर एसी लगे हॉस्पिटल के अंदर, वो ठेका कैप्टन सफदर साहब के पास था, यहाँ पे जो ब्रिजेस है आप निकाल लीजिए कि ये जो मौसूफ है अली इमरान साहब जी, इस वक्त लैंड माफिया और जितने ये कारोबारी ठेकेदारी है ये पीछे उनका हाथ है सारा, और हमदा जवाब का, तो ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट वो ये पूरा टोला है, नॉन इलेक्टेड लोगों को साथ मिलाकर पंजाब का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अच्छा शौकत बसरा साहब, एक बात आपको बतानी थी कि इस वक्त 67
इंजीनियर्स ऐसे हैं जिसमें एसटीओ, एक्सियन और चीफ इंजीनियर उद्दे के अफसरान हैं, इनके खिलाफ एंटी करप्शन में भी इंक्वायरियां हैं और इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरियां भी हैं, लेकिन बावजूद इंक्वायरियों के ना सिर्फ ये प्रमोट हो जाते हैं बल्कि इनको प्राइज पोस्टिंग दे दी जाती हैं। और जब महकमे से इस हवाले से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जी देखें फलां जगह पे उस एमपीए ने कहा कि मुझे तो ये एक्सियन चाहिए जिससे मैंने तरक्याती काम कराने, और उसमें अपोजिशन के मेंबरान भी शामिल होते हैं। 450 अरब की करप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो महकमा हाईवे वाला है, जो बिल्डिंग वाला महकमा, उसके अंदर अभी डिटेक्ट किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। आप लेटेस्ट ऑडिट जनरल ऑफ रिपोर्ट पढ़ लें, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसके अंदर अभी उन्होंने सिर्फ 32 अरब का पैरा इनका सस्ती रोटी के अंदर है। भाई आप क्या क्या रोएंगे और क्या क्या करेंगे, ये तो वो कहते हैं पूरे का पूरा मासी खा जाते हैं, कुछ लगाते भी नहीं है, क्योंकि इनका ये अभी की प्रैक्टिस नहीं है। ये डे वन से जब ये सियासत में आए थे तो ये इन्होंने इस तो सियासत को कारोबार की तरह चलाया था। आज आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने इंजीनियर्स की बात की है, अभी एंटी करप्शन के अंदर अभी शेर इब्ने अजीज है जो इनके स्पोक्समैन है, एंटी करप्शन का उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो उनके स्पोक्समैन है। अभी ये खुद तो मियां बरादरन सहारियों को और मुजरिमों को पनाह देते हैं और वही इनके एडवाइजर हैं, वही उनके क्या मेन अभी बजाना मकबूल कौन है, क्योंकि इश्तहारी है। आजा शरीफ मुल्जम के कत्ल के केस के आए इश्तहारियां सारे के सारे इनके एडवाइजर लगे हुए। तो आप इस बात को छोड़ दें, आप बिल्कुल दुरुस्त बातें कह रहे हैं लेकिन इन पे असर होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ आज तो इल्जामात की बात होती है ना मेरे भाई, आज तो जिस अदलिया पे ये कहते हैं हमें इत्माद है जी, कहते थे हमने लॉन्ग मार्च किया किसी से तखार चौधरी की बहाली के लिए, वो कहते हैं कि ये करप्ट है, वो कहते हैं कि इन्होंने माल खाया है, वो कहते हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। तो मुझे बताइए कि ये सो मोटो इनका भी लेना चाहिए। आज पंजाब के अंदर इसको जो लूट मार का बाजार गर्म है, जो आज सारे का सारा बजट जो है, मुझे टोटल 875 अरब रुपए का बजट है, एनएफसी अवार्ड के अंदर 150% भी दिया जाएगा पंजाब को, टोटल 250 अरब रुपए रखा गया तरक्याती फंड और बाकी सारे का सारा गैर तरक्याती फंड। यही वो मामला है भाई जिनके ऊपर हम पीट रहे हैं कि आपका पैसा इन ठेकेदारों में, इन टेंडर्स में, इन ऑक्शन में, इन ब्रिजेस में, इन पास जो अंडर पासिस बन रहे हैं, ये मास ट्रांजिट पर का मनसूबा बन रहे हैं। आप मुझे बताइए पूरे लाहौर के अंदर इत्फाक लोहा लगा हुआ है, लोग कहते हैं कोई शरीफ लोहा कह रहा है, कोई इत्फाक लोहा कह रहे हैं, तो हम तो नहीं कहते ये। आज लाहौर की आवाम चीख रही है कि उनके बेचारों की जिंदगी तंग कर दी गई है, इससे बेहतर था कि और कुछ बस रोड को तंग कर दिया गया, क्योंकि ये लोग वहां पे अपने अमले को साथ मिला के, ब्यूरोक्रेट्स को साथ मिलाकर करप्शन कभी तारीख एक हाथ से मेरे भाई नहीं बचती। ये कौन है इंजीनियर्स और एसीज और फैक्ट्रीज, जब तक ऊपर से आशीर्वाद हासिल ना हो मैं देखू किसकी जरूरत है वो करप्शन कर सके टेंडर में। शौकत बसरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, अपना ख्याल रखिएगा। दुरानी साहब देखें मसला ये है कि अरबों की बात जो है ना वो यहाँ तक आ रही है और आम आदमी के लिए खाने की एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, अरबों रुपए के गफले हो रहे हैं, अरबों रुपए जेबों में डाले जा रहे हैं, बैरून मुल्क पढ़ाया जा रहा है बात और गरीब आदमी के लिए छत नहीं है। कल मजीद बात करेंगे नाजिन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और हम और बहुत सारे इंजीनियर्स के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे थे, खास तौर पर एक एक्सियन जो इस वक्त कसूर में लगे हुए लियाकत, दूसरे एक्सियन जो लाहौर में तैनात हैं शाहद नजम, और एक और एक्सियन जो बड़े माहर गुर्गे हैं अमजद रजा। इन तीन एक्सियंस और कुछ एसिस के हवाले से और चीफ इंजीनियर्स के हवाले से हम इंशाल्लाह कल आपको मजीद तफसीलात बताएंगे कि किस किस इंजीनियर ने कहां से कितना कितना पैसा कमाया और किस तरीके से उसने मुल्क के खजाने को लूटा। नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।